दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। जैसा कि मैं आपके सामने जब भी आता हूं तब एक नया विषय लेकर आता हूं। फिलहाल महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा के चुनाव बड़े जोरों पर हैं और उसी के चलते हमने कुछ विधानसभा सीट के उम्मीदवारों की कुछ पड़ते खंगाली है, जिसके चलते हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि जिसके चलते यहाँ के जो विधानसभा के जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी है वह कई मामलों में अपनी जानकारियां छुपाते हैं, जिसके चलते इनके ऊपर जब ये चुनाव जीतते हैं और उसके बाद इन पर कई मामले जब कोर्ट में पहुंच जाते हैं और ऐसी स्थिति में इन लोगों की जो नामांकन या जो इन लोगों की जो सदस्यता होती है वो रद्द भी हो जाती है। ऐसा ही एक मामला है आमगांव विधानसभा क्षेत्र के सहसराम कोरेटे। यह कोरेटे जो है यह कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उस जगह अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कांग्रेस ने ही इन्हें अपना उम्मीदवार भी घोषित किया हुआ है। जबकि देखा जाए तो सहसराम कोरेटे जो है यह वहां के स्थानीय देवरी में लगभग आज से कम 10 से 15 साल पहले आके बसे थे, लेकिन इनका उस जगह का जो जमीनी स्तर है, जो उन लोगों का जो जैसे कि देखा गया है कि जमीनी तौर पर यह वो कार्यकर्ताओं के साथ मिले नहीं हुए हैं, फिर भी इन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी के रूप में अपने एबी फॉर्म दिया है और इन्होंने वहां से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। प्रचार काफी इनका जोरों से चल रहा है, लेकिन जब हमने इनकी कुछ पड़ते खंगाली तो पता चला सहसराम कोरेटे यह केवल 1988 में 10वीं कक्षा तक के ही पढ़े हैं। अब आप कह रहे होंगे कि 10वीं कक्षा तक के ही पढ़े हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, लेकिन इन्होंने अपनी जो एक डिग्री बीए की एक डिग्री जोड़ी है, जो बीए की डिग्री इन्होंने बताई है, वह अपने घोषणा पत्र में झूठी और फर्जी है, क्योंकि मुंबई हिंदी विश्वविद्यालय नाम की कोई भी संस्था मुंबई में मौजूद नहीं है। हमने मुंबई महानगर पालिका, मुंबई कारपोरेशन और थाने, ऐसे कई जगहों की हमने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि उस जगह मुंबई हिंदी विश्वविद्यालय के नाम से कोई भी विश्वविद्यालय दर्ज नहीं है। और ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो चुनाव कमिश्नर है उनके सामने इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र दिया हुआ है देवरी में, वह उनका फर्जी है। जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि यह जो पूरा जो मामला है यह इन्होंने अपनी जो डिग्री है यह फर्जी डिग्री बताकर इन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया हुआ है। सहसराम कोरोटे यह आमगांव विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। लगभग इनके पास कई गाड़ियां और कई चल अचल संपत्ति जो कि इन्होंने घोषणा पत्र में दिखाई है उससे कई ज्यादा उनके पास कई मौजूद है। जैसा कि 1988 में इन्होंने 10वीं की शिक्षा पूर्ण की जो कि रविन्द्र दास स्कूल के नाम से स्कूल है। जैसा कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो मुंबई के हिंदी विश्वविद्यालय की डिग्री दर्ज कराई है वह वास्तविकता में डिग्री इनके पास मौजूद ही नहीं है। 2018 में इन्होंने बीए पास की है जो डिग्री घोषणा पत्र में लिखी है वह वास्तविकता में मौजूद ही नहीं है। इनके ऊपर एक आपराधिक मामला भी मौजूद है जो कि इन्होंने घोषणा पत्र में चुनाव अधिकारी के सामने छुपाया है। जैसा कि हमने आपको भी बताया कि सहसराम मारुति कोरेटे जो है जो कांग्रेस के प्रत्याशी है इनके ऊपर एक आपराधिक मामला भी दर्ज है। यह आपराधिक मामला जो इन पर जो दर्ज किया गया है वो नागपुर के एक थाने में दर्ज किया गया है, लेकिन इन्होंने उस घोषणा पत्र में वो आपराधिक मामला दर्ज जो किया हुआ है उसका कहीं भी उन्होंने जिक्र नहीं किया हुआ है। लगभग ऐसे प्रत्याशी को अगर आप अपने चुनाव से आपके मत से जब इनको आप चुन के लाते हैं तो इनकी जो सदस्यता होती है वह रद्द हो जाती है, क्योंकि इनके ऊपर जो भी इन्होंने जो धोखाधड़ी जो चुनाव आयोग के सामने इन्होंने जो धोखाधड़ी की हुई है उस धोखाधड़ी के आधार पर इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। क्या आप ऐसे सदस्यता जिनकी रद्द होने वाली है ऐसे उम्मीदवारों को आप चुन के लाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जनता ठगी सी महसूस हो जाती है और आपके क्षेत्र में फिर से चुनाव करने पड़ते हैं और चुनाव का जो खर्चा होता है वो वहां की स्थानीय जनता के ऊपर बोझ के रूप में लाद दिया जाता है। जैसा कि अभी जो राज्य में चुनाव चल रहे हैं, महाराष्ट्र के जो चुनाव चल रहे हैं, इन चुनाव के मद्देनजर यह जो चुनाव का जो खर्चा होता है यह चुनाव का खर्चा वहीं के जो विधानसभा क्षेत्र के या राज्य के जो जनता होती है उन्हीं की जेब से निकाला हुआ होता है, क्योंकि किसी न किसी टैक्स स्वरूप में राज्य सरकार ने जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है
उसी से यह चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, चुनाव में जो भी साधन सामग्री लगती है उसी का पैसों से खर्चा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या मतदाताओं ने जागरूकता लानी चाहिए, मतदाताओं ने ऐसे फर्जी लोगों को मत देने की बजाय एक सोचे समझे पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर मत दे, अपना प्रतिनिधित्व दे, तो ऐसी सिचुएशन में वहां के जनता का विकास होगा। जबकि अगर वो फर्जी आदमी है तो वो क्या आपका विकास करेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे हम लोग साकोली विधानसभा क्षेत्र के परिणय फुके पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि परिणय फुके यह आज के तारीख में, आज के स्थिति में महाराष्ट्र राज्य में दो जिले के, गोंदिया और भंडारा जिले के गार्डियन मिनिस्टर है, उनकी क्या स्थिति है यह हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ।